दुनिया के सबसे तेज और सबसे महान साइंटिस्ट में एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। डाउट है तो एक बार गूगल में जाकर सर्च करना मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, आपको इनका नाम और इनका एक तस्वीर बड़े बड़े पके बालों के साथ मिल जाएगा। नॉर्मली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग यानी कि आपके क्लास के टॉपर का आईक्यू जो है ना वो 90 से 110 के बीच में हो सकता है, जान फरमाए हो सकता है, लेकिन इनका जो आईक्यू था ना वो 160 से ज्यादा रहता था। इंटेलिजेंट थे इसीलिए एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने बहुत सारे थियोरीज को जन्म दिया। मोस्ट पॉपुलर वन इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। नाउ लेट मी आस्क ए क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? ऑब्वियसली माइनस 360 डिग्री से, ब्रेन यानी कि दिमाग से आता है, एम आई राइट? और आइंस्टाइन के इंटेलिजेंस के पीछे का राज जानने के लिए एक उत्तम पुरुष ने इनका ब्रेन को ही चोरी कर दिया। यस, चोरी कर दिया। क्या किया, कैसे किया, कहाँ किया, कब किया, ये सब क्रिया जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, दिस इज लक्ष्मण, यू आर वन एंड ओनली 360 यो। तो की हाल चाल, सब बढ़िया? बाय होपिंग दैट ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। लेट्स क्विकली गेट इनटू आवर नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। आइंस्टाइन का देहांत 18th अप्रैल 1955 को हुआ। वो एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं थे, इसलिए उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थॉमस हार्वे नामक एक डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया, लेकिन इन भाई साहब ने कुछ अलग ही कर दिया। ये आइंस्टाइन के इंटेलिजेंस के पीछे का कारण जानना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने रूट कॉज यानी कि ब्रेन को ही उठा लिया, चोरी कर लिया। हार्वे ने उनकी मेहनत की कमाई आइंस्टाइन का ब्रेन को उनके घर के बेसमेंट में संभाल कर रखा। नॉर्मली ब्रेन को खुले में छोड़ दिया जाए तो वो आइंस्टाइन का ब्रेन हो जाए, नहीं तो किंग जॉन उनका ब्रेन हो जाए, किसी का भी सड़ जाएगा। इसीलिए हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को सिलोइडिन नामक एक सोल्यूशन में प्रिजर्व करके रखा। एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 साल तक इन्होंने ये ब्रेन को संभाल कर रखा। बाद में आइंस्टाइन के फैमिली मेंबर्स ने ही हार्वे को ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए परमिशन ग्रांट किया। उनका ब्रेन को वजन करने के बाद ये पता चला कि उनका ब्रेन 1250 ग्राम लाइट था एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन से। बाबरे, इनके ब्रेन में तो इतना इन्फॉर्मेशन था, फिर भी इनका ब्रेन हमसे भी लाइट था। रिसर्च को और आसान बनाने के लिए और परेशानी दूर करने के लिए हार्वे ने ब्रेन को 240 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और ब्रेन टिश्यू को भी 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में डिवाइड किया। इनके परिवार में ना कोई तो मांसो मारता था पहले। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हार्वे ने इन पीसेस को, इन ब्रेन के पीसेस को दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट को भेजे रिसर्च करने के लिए, और इसी से ये पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन में पैराइटल लोब नामक एक पार्ट है जो 15% बड़ा है एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में। ये वही हिस्सा है जो मैथमेटिक्स करने के दौरान काम आता है, और वैसे इनके ब्रेन के कुछ स्लाइड्स मटा म्यूजियम नामक एक म्यूजियम में देखने के लिए मिल जाएंगे जो यूएसए में स्थित है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं एक डिटेल बायोग्राफी बना दूंगा, बंदा आपके लिए तैयार है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।